बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आई एम कामरान मोहसिन। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ सैटरडे टेस्ट है क्वालिटी कोचिंग एकेडमी के MCQs। MCQ नंबर 1 है 177। चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही वुड लाइक अ कप ऑफ टी विद यू। ही वुड लाइक्स। नाउ सिंपल सा ट्रिक है। द ट्रिक इज व्हेन एवर यू हैव मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, आफ्टर मॉडल ऑक्सिलरी यू हैव टू यूज वर्ब एंड दैट मस्ट बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वी कॉल इट बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके साथ एस और ईएस का इस्तेमाल गलत होगा। मॉडल ऑक्सिलरी हमारे पास क्या है? बेसिकली मॉडल जो है इट शोज मूड बताता है। हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी है वेल, वुड, शल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, एट्सेट्रा। दीज आर मॉडल ऑक्सिलरीज। इन दिस MCQ ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट वन, बिकॉज यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है आफ्टर मॉडल ऑक्सिलरी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। 178, ही इज एडिक्टेड डैश स्मोकिंग। Now, if you recall, we discussed this point, preposition, we have simple, and the second one, that is fixed preposition. Some of the words, they take a particular preposition. For example, senior to, junior to, contain in, cover with, Mary to, etc. So this one here, you have to use adapted to. Option number C is the correct one. 179 MCQ है, choose the correct sentence. My friend has read pages after pages of the Bible. Be careful in this MCQ. Whenever you have sacred noun आपके पास आता है, सैक्रेड बुक्स नाउ नहीं, सैक्रेड बुक्स के नाम आते हैं, उससे पहले आपने आर्टिकल द का इस्तेमाल करना है। नंबर वन पॉइंट, इफ़ यू हैव अ नाउन दैट इज़ नाउन वन, यू हैव द वर्ड आफ्टर एंड सेकेंड वन इज़ नाउन टू, एंड बोथ नाउन्स आर द सेम वन, इट मस्ट बी सिंगुलर। दोनों को आप सिंगुलर में रखेंगे, प्लूरल में नहीं रखेंगे। हियर द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट वन। आई 180, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई लाइक द पोइट्रीज ऑफ बायरन एंड शेली। आई लाइक द पोइट्रीज। अगेन, सम ऑफ द नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर। कौन कौन से अल्फाज हमेशा हमारे पास सिंगुलर होते हैं? पोइट्री, सीनरी, फर्नीचर, गार्बेज, बैगेज, एट्सेट्रा। These are the words, ये हमेशा singular form लेते हैं। When it is singular, इसके साथ verb भी हमेशा singular होगा। यहाँ पर poetry को कभी में हम poetries नहीं कर सकते, ये गलत होगा। Scenery को कभी भी हम sceneries नहीं कर सकते, गलत। हाँ, be careful, poem का poems होता है, but पोइट्री का पोइट्रीज नहीं होता। एंड दिस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। 181, द फ्लॉक ऑफ गीज डैश मस्ट मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इज इन द पैस्चर। सिंपल अल्फाज में कलेक्टिव नाउन अगर आपके पास आ जाए, और कलेक्टिव नाउन में आपके पास कलेक्टिव नाउन का वो ग्रुप वर्ड आ जाए, अ ग्रुप लफज आ जाए आपके पास, इसके साथ जो वर्ब होगा इट मस्ट बी सिंगुलर। तो वर्ब यहाँ पर हमारे पास सिंगुलर इस्तेमाल होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द करेक्ट वन। चूज द करेक्ट सेंटेंस। वेयर इज़ माय पेंट्स, वेयर आर माय पेंट्स, वेयर इज़ माय पेंट, वेयर हैज़ माय पेंट्स। अगेन, द सिंपल ट्रिक इज सम ऑफ द नाउन्स आर डिसेप्टिव नाउन। इसको डिसेप्टिव क्यों कहते हैं? डिसेप्टिव इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें धोखा देते हैं। Now, हमारे पास नंबर होता है, नंबर में वी हैव सिंगुलर, वी हैव प्लूरल। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं,
बॉय का प्लूरल फॉर्म बॉयज होता है, गर्ल का प्लूरल फॉर्म गर्ल्स होता है, चेयर्स का प्लूरल फॉर्म चेयर्स होता है, एंड सो ऑन. मोस्टली वी पुट एस और एस व्हेन वी मेक अ नाउन प्लूरल. हम एस और एस का इस्तेमाल करते हैं. नाउ इन दिस एमसीक्यू यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं. कभी भी आपके पास इस तरह के जो डिसेप्टिव नाउन्स है वो कौन कौन से है, कोई सब्जेक्ट हो या बुक हो, उसको हम कहते हैं नंबर वन. नंबर सेकंड दैट इज डिजीज़ है या कोई गेम है. इसके साथ आपने वर्ब हमेशा सिंगुलर इस्तेमाल कर, नंबर वन. दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आया, कोई भी चीज़ आपके पास पेयर में होगी वो हमेशा वर्ब प्लूरल लेगा, हमेशा के लिए. वेन एवर समथिंग इज इन पेयर दैट मस्ट टेक प्लूरल वर्ब. डू यू हैव स्पेक्टिकल्स था, चश्मेश था, ओके. हमारे पास यहाँ पर देखिए, हमारे पास जो स्पेक्टिकल्स होते हैं वो भी आपके पास पेयर में होते हैं. जब पेयर में होते हैं, जो भी चीज़ पेयर में होगी उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे क्या, प्लूरल वर्ब. यहाँ पर देखिए, मैं ढूंढ रहा था कि हमारे पास स्पेक्टिकल्स है, एग्जाम्पल आपको बताऊं, लेकिन यहाँ पर मेरे पास स्पेक्टिकल नहीं है. यहाँ पर लोग बैठे हैं लेकिन किसी ने भी नहीं पहने हैं, दैट इज़ वाई. यहाँ पर देखिए, स्पेक्टिकल्स को अगर हम देखें तो हमारे पास पेयर में होती है, हमारे पास वन इन नंबर, बट वी हैव टू यूज़ प्लूरल वर्ब. हमारे पास सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा. इस एमसीक्यू में हमारे पास पॉइंट क्या है, वेयर इज नहीं होगा, वेयर आर माई पेरेंट्स, बिकॉज इट इज़ एन पेयर. नेक्स्ट वन, 183, पुलिस डैश अरेस्टेड द थीव्स. बहुत सिंपल सा ट्रिक है. वेन एवर थ्री पीज आपके पास आ जाए, दे मस्ट बी प्लूरल. थ्री पीज कौन से है, पीपल है, पुलिस है और पब्लिक है. अगर पुलिस के साथ पुलिस मैन आया फिर आपने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है. अगर पुलिस मैन आया फिर आपने प्लूरल वर्ब, लेकिन अगर आपके पास पुलिस अकेले आया, इट मस्ट बी प्लूरल, वर्ब मस्ट बी प्लूरल. यहाँ पर आपके पास होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. 184, आई पास द एग्जामिनेशन बट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स डैश नॉट गुड. वर्ब एग्रीज विद द रियल सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीज विद द रियल सब्जेक्ट. जब भी आपके पास वर्ब होगा वो रियल सब्जेक्ट के साथ, सिंपल अल्फाज में प्रीपोजिशन के बाद जब भी नाउन और प्रोनाउन होगा, इट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव केस, नॉट सब्जेक्टिव केस. हियर वी हैव टू गो फॉर वर्ड, परसेंटेज इज द रियल सब्जेक्ट. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. ऑप्शन ए क्यों नहीं है, क्योंकि द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज पास, द सेकेंड मस्ट बी एन पास. ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट वन. ऑल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, अगेन पीसेज के बाद ऑफ है, ऑफ इज प्रीपोजिशन, इंफॉर्मेशन या ऑब्जेक्टिव केस होगा. पीसेज आपके पास क्या है, दिस इज द रियल सब्जेक्ट, पीसेज प्लूरल है, वी हैव टू गो फॉर वर. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. 186, चूज द करेक्ट सेंटेंस. वी डिस्कस्ड दिस थिंग, नाउन वन नाउन टू, जब आपके पास आफ्टर आ जाए और दोनों सेम नाउन हो, इट मस्ट बी सिंगुलर. वर्ब आपके पास क्या होगा, वर्ब मस्ट बी सिंगुलर. हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी. 187, चूज द करेक्ट सेंटेंस. स्टूडेंट्स आर एबसेंट. अगेन फिक्स प्रीपोजिशन को हमने डिस्कस किया कि हमारे पास क्या है, एबसेंट के बाद गो फॉर फ्रॉम, एबसेंट फ्रॉम होगा. इसी तरह हमारे पास एक दूसरा लफ्ज़ है, कॉन्फिडेंस इन होता है. यहाँ पर एबसेंट फ्रॉम होता है, यहाँ पर कॉन्फिडेंस इन होगा. जूनियर टू, प्रेफर टू, ये हमारे पास वी हैव व्हाट, ये आपके पास हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं. तो इन दिस एमसीक्यू आपके पास ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट वन. 188 में ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, द रीजन इज ऑफ फिक्स प्रीपोजिशन. 189, द गवर्नमेंट वांट्स टू इम्पोज, अगेन वी हैव द सेम वन. इम्पोज के साथ हम क्या करते हैं, इम्पोज आन का इस्तेमाल करते हैं, तो इम्पोज आन हो जाएगा. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन. चूज द करेक्ट सेंटेंस. आई हैव मिट हर लास्ट ईयर, आई मिट हर लास्ट ईयर. सिग्नल वर्ड्स को देखे, द वर्ड टेंस को देखे. टेंस बेसिकली इट टेल्स व्हेन एन एक्शन हैपन. टेंस हमें बताता है कि
कोई काम, कोई एक्शन, कोई स्टेट माजी में हुआ, राइट नाउ इट इज हैपनिंग, और आने वाले वक्त में होगा. हमारे पास सिग्नल वर्ड जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने डिस्कस किए थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिस तरह स्कूल कॉलेजेस में हमें बताया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए वी हैव टू गो फॉर सिंस एंड फॉर. सेम इज द केस ऑफ दिस वन. जब भी आपके पास लास्ट ईयर हो, द वर्ड लास्ट ईयर इट इज़ अ सिग्नल वर्ड फॉर पास इंडेफिनिट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. पास इंडेफिनिट स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. हियर वी हैव ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट वन है चूज द करेक्ट सेंटेंस. आई मेट इंटेलिजेंट स्टूडेंट. स्टूडेंट के साथ आपके पास आर्टिकल होना चाहिए, गलत है. ऑप्शन नंबर बी भी गलत है. फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर मेंशनिंग अ नाउन यू हैव टू गो फॉर इनडेफिनिट आर्टिकल, नॉट फॉर डेफिनेट आर्टिकल. हियर वी हैव ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. बिकॉज इंटेलिजेंट जो है वो क्या है, ये कॉन्सोनेंट नहीं है, वॉवल साउंड है, उसके साथ हम एन का इस्तेमाल करते. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. 192. If I was a bird, I would travel. Simple alfaz mein, we discuss this point. I ke saath, we use was when we have real situation. I ke saath, were hoga, jab unreal hoga. To here, aapke paas option kaun sa hai? Option number C is the correct one. 193, he is taking walk every morning. Again, signal word aaya. When you have the word daily, every day, every morning, you have to go for present indefinite, and present indefinite is subject, first form of verb, verb take S or ES, if we have third person singular. Option number second is the correct one. And last MCQ hai, 194. The poet and critic have been honored, the poet and critic. Again, we have a very simple trick. When you have the article, noun one and noun two, verb must be singular. Why? Verb must be singular because it refers to the same person. Noun one जो है और noun two ये दोनों एक ही बंदे की तरफ refer कर रहे हैं. That is why you have to go for option number B. Option number B हमारे पास correct है. Thank you.